ऐसे नहीं, जोर से आवाज लगा, जोर से लगा। मोदी जी रुको। ये देखो भाई, इधर जा रही थी एरोप्लेन और ये बोला पापा मोदी जी जा रहे हैं, मैं आवाज लगाऊं क्या? मैं बोला हाँ लगा ही दे। सही किया, अभी रोक के जल्द रुक गई ना, तो इधर ही रोक करके कहीं से आ रहे होंगे अपने घर पे, अपने पेड़ पौधे देख के जाएंगे, आपसे मिल के जाएंगे, है ना। देखो इसके फूल आ गए अच्छे खासे। और सेकंड नंबर हमारे ये हमारे बगीचे का पहला फ्रूट फल मतलब अनार लगना स्टार्ट हो गया है। ये सहसूत के बारे में किसी ने बताया था कि ये मेल सहसूत है, मतलब आदमी, इसके सहसूत नहीं लगेंगे, इसलिए इसको निकाल देंगे, दूसरा लेके आएंगे फलों वाला, क्योंकि इसके कच्चे ही जड़ रहे हैं। मेरे सुना हुआ तो है, याद तो आ रहा था कि हाँ ऐसा कुछ होता है, और अब कन्फर्म हो गया है तो लेके आएंगे जरूर। और ये देखो बहुत दिनों बाद में फूटने लगी ये वाली मनी प्लांट, इसका मतलब पैसा आएगा, पक्का आएगा, छप्पर फाड़ के आएगा कहीं से भी आओ। तो ये देखो जी, पापा बना रहे हैं स्प्राउट्स, क्योंकि पापा बहुत ज्यादा डाइटिंग करने लग गए थे और इसीलिए कमजोर भी हो गए थे, है पापा? सही बात है भाई। अब इनको एक सूती कपड़ा लेके आओ, और सूती कपड़ा लेके आकर के इनको सूती कपड़े में डाल करके बाहर खुली हवा में सुखाएंगे, जिससे कि इनके अंदर कल कोंपले निकल आएंगे। कोंपले कोंपले मतलब फूट आएंगे, ये जमीन में जैसे डाला जाते हैं वैसे हो जाएंगे, और फिर खाएंगे, बहुत पौष्टिक रहेंगे, बहुत हेल्दी रहेंगे, ताकतवर रहेंगे, कीमती रहेंगे और बहुत टेस्टी टेस्टी रहेंगे। कर रही है मेथी सा, मेथी मृत अवस्था में अभी लाई, कपड़ा लेके आते हैं चलो। तेरे को कपड़ा नहीं मिलेगा, बाद में मैं अपना रख दूंगी, रख दिखा दूंगी। वो रहा पापा? नहीं वो नहीं है उसका, मैं अपने आप देंगी उसका, अपने आप मेरे पास है, रख दे। तो जी आ जाओ, ये लाल मिर्च वाली चटनी, और ये आपको इसमें तेल ही तेल दिख रहा होगा बहुत ज्यादा, तो इसका मैं इलाज कर देता हूँ। ये देखो, क्योंकि प्लेस चालू नहीं था इसलिए उसमें ज्यादा दिख रहा था, थोड़ा तेल है और पराठे और छाछ और सिवांस और नैनी की ये चटनी है धनिया वाली, क्योंकि ये दिन में बनाई थी, बची हुई है, कम बची है इसलिए। हाँ करो भाई करो, जल्दी करो, अच्छे से लगा, अच्छे से लगा। तो ये देखो जी, अब ये खोलते हैं और खोल करके देखते हैं कैसे हुए हैं कैसे नहीं। वैसे थोड़ा सा गलती यही कर दिया है कि कल इनको शाम को डाला था, अगर सुबह सुबह ही डालते तो बहुत अच्छे से उग जाते। ये उगे तो हैं लेकिन कम उगे हैं, दिखा पास से, ये देखो थोड़े थोड़े उग गए ना। और जी आज भूमि का जन्मदिन है, तो बेटा आपको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, भगवान आपका जीवन मंगलमय बनाए और हर प्रकार की खुशी दे। ये अपने डाल लिए हैं, सिवांस के नैनी के डाल दिए, और ये थोड़े रख दिए हैं, कोई मानो भाव खाएगा तो भाई खा लेगा, नहीं तो फिर अपन खाएंगे और क्या करें। कह रहे हो भाई साहब, क्या कह रहे हो, क्या आएगी? दो दिन से चिन्नू छुट्टी मार रही है तो। अरे बारिश की बोल रहा था ना, चिन्नू की बात नहीं, क्या कह रहा था? बारिश आएगी आज, स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। बारिश आएगी तब स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? बारिश में वहाँ पे खुले में बैठते होगे कि बारिश में डूब जाओगे? अच्छा जल्दी जा जल्दी नहाना है, कोई छुट्टी वट्टी नहीं है। और देखो जी आज सच में सिवान सही कह रहा है, मौसम पूरा बरसात का हो गया है, बहुत तेज बादल हो रहे हैं, शायद मेरे को लगता है कई जगह बरसात आएगी। नैनी कह रही इधर धूप आने वाले, क्योंकि इधर सूरज आने वाला है, इधर क्या आने वाला है? बारिश, और इधर आंधी, और इधर इधर का कुछ नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, फिर सही, अपन तो इधर वाले में आ जाएंगे। ये देखो जो सुबह नैनी कह रही थी, सिवांश कह रहा था, वो सच हो गया है।
और अपने से मतलब ये जो साइड है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दक्षिण साइड में अपना गांव है, तो गांव से अभी फोन आया था कि हाँ हमारे साइड में बरसात आ रही है, हमारे यहाँ भी अभी अभी आकर के रुकी है। तो ये लो जी, अपन भी नहा धो लिए हैं और नहा धो करके पूजा भी कर ली है, और पूजा करके अभी थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। वैसे तो खैर आपने देखा ही है, श्रीमती जी ने बहुत अच्छी खासी बुराई अपनी कर ली है, और वैसे आपने मतलब जो अपने देखते हैं लोग उनको पता भी है कि जब ये व्लॉग बना रही थी तो मैं यहीं था और मैं सुन भी रहा था, और मैं बीच में बोला भी था एक दो बार, और मैंने कोशिश भी करी थी उधर जाने की, तो फिर फट से इसने वीडियो बंद कर दिया, और नहीं तो मैं आपके सामने ऑन कैमरा ही कुछ जरूर बोलता, क्योंकि मैं तो यही सोच रहा हूँ कि यार सही नहीं है, ऐसे है वैसे है, भाई क्या बताएं क्या नहीं बताएं, जितनी बुराई थी सुनी थी वो इस कान से आई थी और हमने तो इस कान से निकाल दी। आदमी को अंदर नहीं रखनी चाहिए, या तो इसमें से निकाल देनी चाहिए, या इसमें से सुन के फिर इसमें से निकालनी चाहिए, यहां रखने से गलत है, दिल में नहीं रखने चाहिए। बाकी मैं एक चीज बताता हूं आपको, मैंने ये वाले टिक्के लगाना ही बंद कर दिए थे, ऐसे जो जो स्टाइल में टिक्के थे मेरे पास में, जितने सारे भी टिक्के थे, बहुत सारे टिक्के थे, ये देखो ये वाला और राधे 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 कृष्ण और सूर्य वंशम वाला, बहुत सारे टिक्के थे लेकिन सब बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए, अब मैं आपको बताता हूं इसकी पूरी की पूरी। तो ये देखो फोन लगा दिया मैंने ट्राईपोर्ट में, और ये डब्बी है, ये डब्बी इसकी नंबर एक ये, और नंबर दो नीरू जो कि चला गया, इन दोनों ने इस पूरी डिब्बी की ऐसी बुरी हालात कर रखी थी। आज मैंने टिक्का लगाया है सिर्फ ये डुबो करके, इसी में डुबोया था, देखो ये डुबा हुआ का निशान भी ऐसे कैसे, इसी में डुबो के लगाया, अब इसको साफ कर करके और फिर मैंने इसको रखा है, अब कल से रेगुलर बढ़िया बढ़िया टिक्के लगाएंगे। इस डब्बी की इतनी बुरी हालत कर रखी थी बस पूछो ही मत, एकदम ऐसे तो कहती है मेरे को इतनी सफाई है वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन इस डब्बी को मैंने आज धोया एकदम पूरी गद्दी हो रखी थी। मैं कच्ची टिक्को लगाऊं जो बिना बात की बात, मतलब बिना ही बात की बात भूषण सी मतलब है, झूठ मत बोलो ठीक है ना, पहले लोग झूठ बोल देख, आप लोग देख लेना मतलब फरवरी के सॉरी इसके नवंबर दिसंबर के देख लेना, इसके जितने भी वीडियो थे हर वीडियो में कभी सूर्य कभी शरम करो शरम, नवंबर दिसंबर में टिक्को लगाया, मार्च में डब्बी गंदी दिख रही है, मैं आज साफ करी, मैं टिक्को लगाए हुए आजकल हाथ से लगा लेता था, नवंबर दिसंबर में टिक्का लगाया करके, नवंबर दिसंबर के बाद में मैं तीन महीना तक देखी, जनवरी फरवरी मैंने खुद नहीं देखा, फरवरी में आप थे नहीं यहाँ पे, और जनवरी तो आज आज तीन महीना कर दिया ना, आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, पहले झूठ पहले कोई झूठ बोलता था ना तो बहुत वो हो जाती थी, आजकल बुखार भी नहीं चढ़ती, वो बात ने छोड़ो झूठ बोलने की, हाथ हम साफ कर दी, आज तीन महीना मेरी डब्बी साफ कर दी, वो 24 घंटा में लागी वो ये पजामो देखो राने, जो है मेरे कैमरा दिखाओ एक बार, उड़ान मोड़ो मेरे पेट में दर्द हो, मैं उठना किस लिए, इस सोफे के ऊपर पूरे के ऊपर आप नहाने से पहले के कपड़े पड़े हुए, नहाते टाइम गया था वो तो डाल यहाँ डालेंगे, अब सुखाएंगे इनको कब सुखाएंगे, रोज में उठाऊ रोज खार को कद ना आवा कदे भी, उस टाइम मेरे को भी ऐसे गुस्सा आ रहा था जिस टाइम आप मेरी बुराई कर रहे थे, बुराई की करी थी मैं, बैंक डिटेल अलग हुई करी है उसका बात कर रही थी, इसमें बुराई की करी है मैं, फिर अकाउंट अलग करो है तो करो है, जब तक हम एक डब्बी साफ कर रहे इतनी जल्दी बोलेगा, मैं पूरे दिन थारो काम करूँ वो कौन दिखे, अकाउंट अलग होगा उसमें कोई ऐसे गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं आना चाहिए एक दूसरे की बुराई करे तो ठीक है ना, या तो करनी नहीं चाहिए, जब आप कर रहे थे सॉरी तो मैं बाहर गया, इसने फट से बंद कर दिया, मैंने तो बंद नहीं किया, कैमरा बंद कर देता किस लिए, मैंने पीछे से बताता के क्या कोई बुराई करनी थी, वहां कोई भी बात करता, कोई बात नहीं होता रहता, ऐसे होता रहता है, ऐसे होता रहता है, कोई बात नहीं है, बिना बात की बात करता है मतलब वो भी ऑन कैमरा, फिर कैमरा चालू करके फिर बिना बात की झंड करेंगे, एक डब्बी साफ कर दी तीन महीना में तो बहुत बड़ो मान काम कर दियो, फिर मान काम तो है, डब्बी साफ गंदी कर रखी थी आपने, साफ रखने चाहिए इसको, देख लो आज सब लोग एक डब्बी साफ करके कितना बड़ो काम कर रहा है, मतलब वो जो पूजा की डब्बी अगर आप साफ कर ली तो क्यों होगा, पूजा तो थारी मेरी दोनों की बराबर ही है, और ये टिक्का हम लगाओ मैं लगाऊ लगाओ
मैं दिसंबर में लगाया था, दिसंबर में झूठा आज नहीं लगा रखा, आज नहीं मेरे रोज ही नहीं लगा। चालू करो तुम, कर दियो बोलो। हाँ ये जो आपके जो वो है ना आपको पसंद करने वाले, इन्होंने मेरा टीका छुड़वाया था उस टाइम पे कमेंट कर करके कि एकदम राधे माँ राधे माँ लग रहे हो, फिर मैंने टीका लगाना बंद कर दिया। फिर और अब मैं टीको लगाया 3 महीना होता ही मैंने, 3 महीने हो कहाँ से, अब दिसंबर के वीडियो में है आपके में तिलक, जनवरी फरवरी दो महीने हो ना, जबरदस्ती झूठ, झूठ की तो कोई हद नहीं है, झूठ बोलने वाला कितना भी बोल सकता है। अक्टूबर में लगाया था। चलो लड़ाई लड़ाई माफ करो और कोई काम साथ करो। कर लिया साथ काम है, ये बिना बात करें कहना का बहाना बना ढूंढो, ठीक से ना अपना काम से काम रखो, जो बस फालतू बात करने से मतलब नहीं है कुछ भी। कैमरा पे बोल रही हूँ, लोग मैंने बुरी तो बता के जाएंगे, बता लेंगे क्या बिगड़ा है। लोग तो कह रहे हैं इतना एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, सही कह रहे हैं, गलत क्या है, एटीट्यूड नहीं है ये, एटीट्यूड है। चलो कोई बात नहीं, जो भी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बैठे हैं समुद्र किनारे, कभी तो लहर आएगी, और लहर भी नहीं आएगी तो कम से कम टाइम पास तो हो जाएगी, तो बस वही बात है, भूल गया आजकल बनती नहीं अच्छे से शायरी। तो चलो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक वगैरह करके जाना, ये तो मेरा अचानक ही आ गया, पता नहीं कैसे याद आ गया है, कोई बात नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे, वैसे बहुत सारे लाइक आते हैं, सबको धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, बाय।